हेलो एवरीवन, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2, जो कि सेक्शन नंबर 4 से लेकर के सेक्शन नंबर 13 तक। सेक्शन 4 बात करता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की, जिसमें हम ब्रॉडली 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स देखते हैं। पहला टाइप है डेथ पेनल्टी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट, जो कि हमारे देश का सबसे बिगेस्ट पनिशमेंट भी है। सेकेंडली है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज़ आजीवन कारावास, जीवन भर के लिए आपको जेल में डाल देना। थर्डली हमारा जो पनिशमेंट है, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट, जो कि दो तरह से दिया जा सकता है। एक होता है रिग्रेस, दैट इज़ विथ हार्ड लेबर, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा काम वगैरह हार्ड लेबर करवाया जाएगा ड्यूरिंग योर इम्प्रिजनमेंट ड्यूरेशन। एंड सेकेंडली सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें भी काम कराया जाता है, बट दैट इज़ नॉट वेरी यू नो हार्ड टू डू, हार्ड लेबर आपसे नहीं कराया जाएगा। सो थर्डली इम्प्रिजनमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को आपसे छीन लेना, आपसे वापस ले लेना, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइन, जुर्माना देना। तो किसी को भी फाइन से भी पनिश किया जा सकता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन अगर मेंशन किया गया है इन द ऑफेंस तो वो दिया जा सकता है, या फिर डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली कोर्ट भी कोई भी फाइन दे सकता है। लास्टली जो अभी न्यू एडिशन हुआ है पनिशमेंट में, दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या है? फर्स्टली इट इज़ डिफाइंड इन नॉट BNS बट BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसकी डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 23। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि आपको किसी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए आपसे कोई काम करवाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी अच्छे काम के लिए बर्तन धुलने के लिए बोल सकते हैं, झाड़ू लगाने के लिए दे सकते हैं, ऐसे कोई भी काम जो कि कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी की सर्विस में आप कर सकें, तो ऐसा कुछ भी अगर चाहे तो पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट। और ये न्यू एडिशन है, क्योंकि IPC में ये वाला प्रोविजन नहीं था। उसमें एक दूसरी पनिशमेंट थी जो कि बाद में जाके ओमिट कर दी गई थी, दैट वाज काला पानी, जिसमें कि अंडमान निकोबार आइलैंड में प्रिजनर्स को रखा जाता था, लेकिन वो हट चुकी थी। सो दिस इज़ अ न्यू एडिशन इन BNS। सबसे पहले बात करें अगर हम डेथ पेनल्टी की, तो डेथ पेनल्टी हर केस में नहीं दी जा सकती है। डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जा सकती है, और ये चीज़ बोली गई थी एक केस में, विच वॉज बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी ऐसे मामले जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैं या बहुत ही रेयर हैं, उस केस में ही डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सो देर आर सर्टेन नंबर ऑफ ऑफेंसेस इन BNS जिसमें कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सबसे पहले रेप के कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सेक्शन 65 सबसेक्शन 2, 66, 70 सबसेक्शन 2 एंड 71। मर्डर के 103 सबसेक्शन 1, 103 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 104। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और अनसाउंड माइंड सेक्शन 107। इन सम सर्कमस्टेंसेज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 109 सबसेक्शन 2। टेररिस्ट एक्ट, अगेन न्यू एडिशन टू BNS, सेक्शन 113 सबसेक्शन 2। किडनैपिंग फॉर मर्डर और रैनसम, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 147। अबेटिंग म्यूटनी एंड एक्चुअली व्हेन इट इज कमिटेड, सेक्शन 160। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस व्हेन एन इनोसेंट पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड ड्यू टू दैट, सेक्शन 230 सबसेक्शन 2। इन सम सर्कमस्टेंसेज व्हेन थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 232 सबसेक्शन। एंड डकैती अक्वेंटेड विद मर्डर, सेक्शन 310 सबसेक्शन 3। अब बात करें अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो लोगों के मन में एक मिथ रहता है ड्यू टू बॉलीवुड मूवीज़ कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो 14 ईयर्स की होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेज स्टेट के केस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट टिल द पर्सनस लाइफ, मतलब जब भी वो अरेस्ट हुआ है, जब भी उसे कन्विक्शन हुआ है, उससे लेकर जब तक कि उसकी लाइफ है, तब तक के लिए वो जेल में रहेगा, दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट केस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा रिग्रेस होता है, मतलब कि विथ हार्ड लेबर ही होता है। सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ। ये बोलता है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट के केस में जहाँ स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ पर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है वहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो विदाउट ऑफेंडर की कंसेंट के वो उनकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट बेसिकली होता है नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज करना। अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो उसे इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है और इसके लिए ऑफेंडर की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोविजन कहाँ गिवन है? सेक्शन नंबर 5 में। और ये प्रोसेस जो किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 ऑफ BNSS किया जाएगा। सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ पनिशमेंट की। ये बोलता है कि कभी भी अगर हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हम उसकी ड्यूरेशन 20 ईयर्स लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर हमें पैरोल देनी है किसी भी ऐसे कन्विक्टेड पर्सन को, वो इज़ कन्विक्टेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हमें मान लीजिए उसकी पनिशमेंट का 1/4 देना है। अब हम कैसे जानेंगे कि उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसकी लाइफ ड्यूरेशन कितनी होगी? तो इस केस में ऐसे किसी भी कैलकुलेशन के लिए उस ड्यूरेशन को 20 ईयर्स माना जाएगा और कोई भी कैलकुलेशन अगर करना है तो हम 20 ईयर्स को लेकर करेंगे। सेक्शन 7 बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट की। डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर है सिंपल या रिग्रेस से। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि अगर कोई भी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी तो वो कैसी भी दी जा सकती है। इट कैन बी होली रिग्रेस, इट कैन बी पार्टली रिग्रेस, इट कैन बी होली सिंपल, इट कैन बी पार्टली सिंपल। सेक्शन 8 फाइन के बारे में प्रोविजंस बताता है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जो फाइन है ये अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से। जो व्यक्ति जितना पेमेंट कर सकता है फाइन का उसके अनुसार फाइन दिया जा सकता है, दैट्स वाई इट इज़ अनलिमिटेड। बट ये एक्सेसिव नहीं होगा क्योंकि हम उस व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर फाइन इम्पोज करते हैं। किसी रिच पर्सन के लिए 15-20 हज़ार का फाइन बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक रिक्शे वाले के लिए 15-20 हज़ार का फाइन बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स स्टेटस, बट ये किसी भी कीमत में एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये इस सेक्शन का मतलब है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर आपने फाइन नहीं दिया तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसके साथ में एडिशनल फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, तो ऐसे केस में जो भी वो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इन एडिशन टू द ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट होगी। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 बात करता है कि किसी भी परिस्थिति में जो भी डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट है क्योंकि फाइन नहीं दिया है, वो किसी भी केस में ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 4 ईयर्स है और उसमें फाइन भी लगाया गया है तो आप मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर की ही दे सकते हो, बिकॉज 1/4 ऑफ 4 ईयर इज 1 ईयर। उससे ज़्यादा की पनिशमेंट ऑफ डिफॉल्ट के लिए नहीं दे सकते हैं। और सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 ये बात करता है जो भी फाइन के डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, मतलब इट कैन बी रिग्रेस, इट कैन बी सिंपल। ये उन सिचुएशंस की बात हो रही है जहाँ पे जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों की है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 बात करता है उस सिचुएशन की जहाँ पर जो ओरिजिनल ऑफेंस है वो केवल फाइन से पनिशेबल है और उसका फाइन नहीं दिया गया है, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट होगी, अगर जो फाइन है वो 5,000 रुपीज से कम का है तो 2 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर जो फाइन है वो 10,000 से कम का है तो 4 मंथ्स की होगी। और अगर 10,000 से ऊपर का कितना भी फाइन है तो उस केस में 1 ईयर हो सकती है। जब भी फाइन का पेमेंट हो जाएगा तुरंत उसी वक्त, एट द मोमेंट जब वो फाइन की पेमेंट हो रही है, उसी वक्त जो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी वो टोटली टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद इसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर पार्टली पेमेंट की गई है और आधी सज़ा भुगत ली गई है, और अगर उस पेमेंट की वजह से उनकी जो प्रोसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो या पनिशमेंट है वो कम्प्लीट हो गई है, तो फिर उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस इफ़ दे आर मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मतलब यहाँ पर जो ऑफेंसेस की बात हो रही है वो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एक या एक से अधिक है। पहली सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि कुछ पार्ट से मिलकर बना है और उसका एक स्पेसिफिक पार्ट एक अलग ऑफेंस है, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 2 कुछ ऐसी है कि एक जो ऑफेंस है वो 2 सेपरेट डेफिनेशन में जा रहा है, वो एक डेफिनेशन में भी बैठ रहा है और एक दूसरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस में भी बैठ रहा है। और थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि कुछ सेवरल एक्ट्स कमिट किए गए हैं एक चेन में और वो अपने आप में भी ऑफेंस है और जब उसे कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है। जैसे डकैती विथ मर्डर, डकैती एक अलग ऑफेंस है, मर्डर एक अलग ऑफेंस है और डकैती विथ मर्डर एक डिफरेंट ऑफेंस है। तो अगर ऐसे ऑफेंसेज हैं तो उस केस में कैसे सजा दी जाएगी? तो इसमें रूल ये है कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी जिस भी ऑफेंस की जिससे वो मिलकर बना है, भले वो पार्ट हो, भले वो स्पेसिफिक डेफिनेशन में आता हो या भले वो अलग अलग मिलकर बना हो, तो जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो उसके लिए दी जाएगी। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो ये बोलता है कि अगर कोई ए है वो मार रहा है बी को 50 स्ट्रोक्स,
एक स्ट्रोक की पनिशमेंट भी 1 ईयर है और 50 स्ट्रोक की पनिशमेंट भी 1 ईयर ही होगी, क्योंकि जो एक्ट है वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है, चूँकि 50 स्ट्रोक्स है, वो 50 ईयर्स की पनिशमेंट नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है एक पर्टिकुलर एक्ट की वही दी जाएगी। सेक्शन 10 बात करता है उस सिचुएशन की जहाँ पर कोर्ट डाउटफुल है कि ऑफेंडर ने कौन सा ऑफेंस किया, क्योंकि उसने सेवरल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। तो अगर कोर्ट डाउटफुल है कि विच ऑफ हैज कमिटेड, इन दैट केस उसे पनिश किया जाएगा उस ऑफेंस से जिसकी पनिशमेंट सबसे लोएस्ट हो। सेक्शन 11 बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एक छोटा सा सेल होता है जिसमें उन प्रिजनर्स को रखा जाता है हु हैव कमिटेड वेरी हीनियस ऑफेंसेस, और जिन्हें स्पेशली रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिश किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। अगर पनिशमेंट 6 मंथ तक की है तो 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर पनिशमेंट 6 मंथ टू 1 ईयर है तो 2 मंथ का दिया जा सकता है। अगर एक्सीडिंग 1 ईयर की पनिशमेंट है तो 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 12 ये बोलता है कि किसी भी परिस्थिति में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसकी ड्यूरेशन एक बार में 14 डेज से एक्सीड नहीं हो सकती। मतलब कंटिन्यूस आप कब तक दे सकते हो? 14 डेज तक। अब दूसरा जब आपको देना है तो आपको 14 डेज का ही इंटरवल रखना पड़ेगा। तो एक बार आपने 14 डेज दिया, फिर आपको 14 डेज का इंटरवल रखना पड़ेगा। और कितना भी अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो तो आपको उतना ही गैप रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 डेज का दिया है तो 3 डेज का गैप होगा, उसके बाद अगेन दूसरा वाला दिया जाएगा। अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा का है तो 1 महीने में आप 7 डेज से ऊपर का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हो। ओनली इन दैट केस अगर 3 मंथ से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट है इन टोटल। तो लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन 13 बात करता है एनहेंस्ड पनिशमेंट की। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंस एक बार कन्विक्टेड होने के बाद दोबारा से कमिट करता है और वो ऑफेंस या तो चैप्टर 10 ऑफ BNS में आता है या तो चैप्टर 17 ऑफ BNS में आता है। चैप्टर 10 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड करेंसीज, एंड चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कॉइन करेंसीज से रिलेटेड कोई ऑफेंस दोबारा कमिट करता है जिसके लिए वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गया है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 ईयर्स से ऊपर की है, तो उस केस में उसे जो पनिशमेंट दोबारा वाले कन्विक्शन में दिया जाएगा दैट वुड बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच वुड बी ऑफ 10 ईयर्स। तो उसे मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।